गाइज, अगर आप अपने हैंड, लेग और अंडरआर्म के हेयर को रिमूव करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको हेयर रिमूवर क्रीम का इस्तेमाल ना करना पड़े और इवन आप वैक्स से होने वाले पेन से भी बचना चाहते हैं, तो गाइज दिस पर्टिकुलर वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। अब वैसे आप सोच रहे होंगे कि वैक्स नहीं, क्रीम नहीं, तो फिर क्या? तो आप सही सोच रहे हैं, वो है शेविंग। बट हम में से बहुत सारे लोगों के मन में शेविंग को लेकर बहुत सारे सवाल और डर भी हैं, जो आज की अपनी इस वीडियो मैं लाइव डेमो करके दिखाऊंगी। साथ ही साथ आपको शेविंग का सही तरीका बताऊंगी कि शेविंग कैसे करना चाहिए और जिससे कि आप शेविंग करने के दौरान या शेविंग करने के बाद होने वाली प्रॉब्लम्स को भी आप दूर कर पाएंगे। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट गाइस। ये रहे हमारे लंबे, घने, काले और मर्दाने बाल, इसके ऊपर आज हम करने वाले हैं शेविंग का एक्सपेरिमेंट। पर उससे पहले गाइज, हम लोग के मन में शेविंग को लेकर बहुत सारा सवाल और डर होता है, जैसे कि हमारे शेविंग करने के बाद हमारे हेयर मोटे ना हो, स्ट्रांग ना आए, फिर शेविंग करने के दौरान कट ना लग जाए, फिर शेविंग करने का सही प्रॉपर तरीका क्या है। तो मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आप वुमेन्स हैं, शेविंग कर रही हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, हमेशा किसी अच्छे ब्रांड के ही ब्लेड का इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ मैंने लिया है जिलेट का, वीनस का जो ब्लेड आता है मैंने उसका इस्तेमाल किया है। किसी ब्रांड का इस्तेमाल करें, ध्यान दें हमेशा। वुमेन्स की जो ब्लेड आती हैं वो बॉय से कंपेयर काफ़ी स्मूथ होती हैं और स्किन पर बहुत स्किन आपके वुमेन की स्किन अलग होती है बॉय से कंपेयर, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आती हैं। गाइज ये रहे हमारे लंबे, घने, खूबसूरत और मर्दाने बाल, जिसके ऊपर आज हम शेविंग का एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको दिखाएंगे। बट सबसे पहले हम लोग के मन में डर और सवाल रहता है कि शेविंग करने के बाद हमारे बाल काफ़ी मोटे आते हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शेविंग क्या करता है, आपके ऊपरी लेयर के जो बाल होते हैं उसको कट करता है, बस सिर्फ कट करता है और कुछ भी नहीं करता, सिर्फ कट करता है। उससे कैसे मोटे बाल आ जाएंगे, आप एक बार खुद सोच के देखिए। एंड यहाँ पे सबसे पहले आप जब शुरू कर रहे हैं शेविंग करना, सबसे पहले अपने हेयर को धुल लीजिए, उसके बाद किसी अच्छी क्रीम का इस्तेमाल करें। हमेशा किसी शेविंग अच्छी क्रीम का ही इस्तेमाल करें, शेविंग क्रीम मार्केट में अलग आती है उसका ही इस्तेमाल करके शेविंग करें। वो क्या करता है, आपके बाल को स्मूथ कर देता है, आपकी स्किन को उस जगह पे अच्छा कर देता है, ताकि आप शेविंग बहुत स्मूथली कर पाएँ। तो कभी भी अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप शैम्पू या फिर कंडीशनर का इस्तेमाल करें, बाकी सोप का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। उसके बाद जब आप ब्लेड चला रहे हैं, देखिए आप जब इस तरीके से ब्लेड को चलाएंगे तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस तरह ग्रोथ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही बाल को चलाएं, बहुत स्मूथली चलाएं, बहुत टाइटली नहीं पकड़ना आपको, बहुत ऊपर की तरफ खींच के, जैसे हल्का सा खींचेंगे आपके बाल उसमें फंसते हैं। बाल को हमेशा क्लीन करते रहिएगा, जैसे कि बहुत छोटे बाल होते तो नहीं होते फंसते, पर थोड़े बड़े बाल थे क्योंकि, तो इसीलिए ये फंस रहे हैं, तो इसको हमेशा क्लीन करते रहिए, धुलते रहिए इस तरीके से लगा के। और एक चीज़ और यहाँ बताना है, भूल गई कि जब भी आप क्रीम लगाएं तो आप एटलीस्ट 30 सेकंड के लिए अपने हेयर बालों को रेस्ट करने दीजिए, उसके बाद ही इस शेवर का इस्तेमाल करें आप शेविंग के लिए। तो देखिए गाइज, यहाँ पे कितने मक्खन तरीके से बाल निकल रहे हैं, बहुत स्मूथली निकल रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा। इसमें सेकेंड टाइम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको स्मूथ, मतलब इस तरह शेव करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है इसको देख के। अब देखिए बाल भी कितने अच्छे से जा रहे हैं। वैक्स में क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में, जब कुछ 10-15-20 दिन बाद जब हेयर आने लगते हैं, 15-20 दिन बाद तो एटलीस्ट ग्रोथ हो जाती है, जब ग्रोथ आने लगते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उस टाइम पे अगर आपको कहीं जाना होता है तो ना वैक्स कर सकते हैं और ना ही उसमें क्रीम काम आती है और ना ही उसमें स्ट्रिप वैक्स काम आता है। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आप शेविंग करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो एकदम बहुत पास से आपके हेयर को बहुत स्मूथली निकाल देगा। ऐसे लगेगा कुछ, मतलब आप जब शेविंग करेंगे ना गाइस, आपको खुद फील होगा कितना अच्छा स्मूथली निकल गया, बहुत मक्खन लग रहा है, बिल्कुल मज़ा आ गई थी करके। खैर उसके बाद देखिए, इस तरीके से आपको शेविंग करके पूरा ये क्लीन कर देना। इट इज़ और जब आप शेविंग कर रहे हैं उसके दौरान आप भी हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने स्किन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, मतलब कि आपको स्किन को मतलब दबाना नहीं, जैसे कि हमारे एंकल के तरफ क्या होता है कि हम अपने स्किन को ऐसे जनरली ब्लेड चलाते हैं, उससे क्या होता है वहाँ बहुत ज़्यादा कटते हैं, लोगों को एंकल के पास बहुत कटते हैं, तो वहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से शेव कर लेंगे। हाँ तो मैं एंकल की बात कर रही थी, एंकल को देखिए हमेशा इस तरीके से टाइट करके, टाइटली बिल्कुल आपको अपने एंकल को टाइट करना है, उसके बाद वहाँ पे शेविंग इस तरीके से चलाना है। यहाँ बहुत लोगों का कटता है क्योंकि यहाँ स्किन थोड़ी सी लूज़ होती है इस साइड कॉर्नर के साइड, जिसकी वजह से वो कट जाती है, वो क्योंकि वो इक्वल नहीं होती है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती इस वजह से। तो स्किन को हमेशा स्ट्रेट करके ही आपको शेविंग करनी है, उससे क्या होता है बहुत स्मूथली आपका हो जाता है। आप खुद देखिए कितने मक्खन तरीके से निकल गए, कितना स्मूथली निकल गया। मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा, कट ना जाए, बहुत सारे सवाल थे, पर जब मैं करने लगी मैं सोचा ओह माय गॉड, तो बहुत इजी है, मैं इतना डर रही थी, फालतू डर रही थी, कितना ईजली, इवन मुझे सबसे अच्छा लगा ये करके, क्योंकि बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है, छोटे बाल हों, देखिए कितने
कितना डीपली करा है इसने, बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं। आप जब क्रीम लगाते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे, तीसरे दिन चौथे दिन आपके बाल आ जाते हैं, एंड उसके बाद जो बहुत छोटे बाल आते हैं, इवन क्रीम लगाने के बाद छोटे जो बाल रह जाते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे बाल देखेंगे आप, ज़रूर रहेंगे उसमें। लेकिन शेविंग करने में कुछ भी नहीं रहता, बहुत स्मूथ लगता है, लगता है हाँ लड़की के पैर हैं, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत स्मूथली, मतलब बहुत स्मूथ लगता है। देखिए बहुत डीप कट किया है इसने, देखिए कितना डीप कट हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है पैर को, देखिए अब लग रहा है किसी लड़की का पैर है, वरना इससे पहले तो मर्दाना पैर लग रहा था। खैर उसके बाद देखिए काफ़ी अच्छे से इसने शेविंग किया, आई लाइक इट। बट हमेशा आप ध्यान रखिए ब्लेड अच्छा इस्तेमाल करें, उसके किसी अच्छे ब्रांड का हमेशा ब्लेड इस्तेमाल करें, प्लस आपको हमेशा अच्छी क्रीम इस्तेमाल करनी है, और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में शेविंग करना है, और स्किन को लूज़ ना रखें, हमेशा टाइट करके जिस धर आप करें उस तरफ ऐसे खींच के आप करें तो आराम से हो जाएगा। मैं जल्दी ही आपको हाथ पे कैसे शेव करना है वो भी शेयर करूँगी, उसके लिए आप चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।